जाति के लोग हैं और हम नीची जाति के, गलती तो भी कभी नहीं करो ना, चला जाइए। ठीक है माँ। ठीक है, चलो। तुम भी मेरे साथ गाड़ी चलाई हो। नहीं, मेरी माँ बोलती है। बेटा ये ऊंची जाति के लोग हैं और हम नीची जाति के, गलती से भी कभी नहीं करो ना, चला जाइए। इसलिए अंदर नहीं आ सकता। तुम मेरे दोस्त बनोगे? अब तुम मेरे दोस्त ही, अंदर आ जाओ। जी रुको, गलती से आ गए मैडम जी अंदर ही हो। मां मैंने बुलाई थी अंदर। तुम चुप रहो, तुम्हें पता भी है ये कौन है? ये नीच जाति के लोग हैं, इनके छूने से भी हम गंदे हो जाते हैं। अब तुझे निलाना पड़ेगा, चल। हे भगवान, धरती पे जन्म दिया न दिए, पर नीच जाते बिल्कुल ना दिए, बहुत बेइज्जती महसूस करनी पड़ा। देख ले बेटा, बड़े घरों में आने का नतीजा, इन बड़े घरों के आदमी को हम नीचा जाति के आदमी को नहीं बेइज्जती कर रहे हैं। ठीक है, इससे तो अपनी झोपड़ी अच्छी है। चलो चल। हाँ बेटा, ये नीच जाति के लोग हैं, इनके छूने से भी हम गंदे हो जाते हैं। तुम आज को छूना मत। नहीं बेटा, बड़े बड़े जाति के लोग हो, लेकिन हमारा परिसर डॉक्टर को दिखाने का बना है। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, क्या हुआ? डॉक्टर साहब, इस बच्चे का एक्सीडेंट हो गया। लेट आओ जल्दी। कौन लगो उसके? डॉक्टर साहब, इससे कुछ नहीं लगता। डॉक्टर साहब से हम मिल जाए। चलो, बहुत अच्छी बात है, इंसानियत का काम किया तुमने। कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगी। मैं इसके भी पट्टी कर देता हूँ, कोई बात नहीं। अरे किसका फोन आ रहा है? हेलो, आपके लड़के का एक्सीडेंट हो गया है। क्या, कौन से हॉस्पिटल में है वो? सिटी हॉस्पिटल। ठीक है, मैं अभी पहुंच रही हूँ। गोरी, बेटा गोरी, डॉक्टर साहब क्या, आप कैसी तबीयत है मेरी बेटी की? अब तो इनका शुक्र मनाओ आप, ये टाइम से यहाँ लेकर आई थी, देखो पता नहीं क्या हो जाता। बहन मुझे माफ कर दे, मैंने तेरे साथ उस दिन। मैडम जी रुको, गलती से आ गए मैडम जी अंदर ही हो। मैंने बुलाई था। तुम चुप रहो, तुम्हें पता भी है ये कौन है? ये नीच जाति के लोग हैं, इनके छूने से भी हम गंदे हो जाते हैं। अब तुझे निलाना पड़ेगा। बहन अगर आज तो मेरे बेटे को यहाँ नहीं लाती ना, तो पता नहीं मेरी बेटी के साथ क्या होता। मुझे माफ कर दे। कोई बात नहीं मैडम जी, लेकिन किसी इंसान को नीच जाति का बोलकर उसका कभी मजाक मत उड़ाना। जो आज मैं भी ये सोचती ना, ये बड़ी जाति की है, मरने दे, तो पता नहीं आज आपकी बेटी के साथ क्या हो जाता। इसलिए कहती हूँ जात पात का चक्कर छोड़ो, हम सब तो भगवान के बनाए हुए इंसान है, ये जात पात तो सभी धरती पर है।